हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियाँ अब अपने पूरे रंग में आ चुके हैं। इसके साथ ही हर नए माँ बाप की चिंता भी बढ़ चुकी है कि कैसे वह इस सर्दियों में अपने नवजात शिशु की, अपने नन्हे शिशु की देखभाल करें जिससे कि वह इन सर्दियों में बीमार ना पड़ सके और उसकी पहली सर्दी आराम से निकल जाए और वह पूरी तरह से स्वस्थ भी रहे। इसी टॉपिक पर हमने पहले भी आपको कुछ टिप्स बताई हैं। एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे आप अपने नन्हे शिशु की इन सर्दियों में देखभाल कर सकते हैं। हम आपके लिए आज उसके अलावा कुछ और टिप्स लाए हैं जिनको अपनाकर आप भी इन सर्दियों में अपने बच्चे को ठंड लगने से बचा सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसको निरोगी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और टिप्स जिनके द्वारा आप अपने बच्चे की सर्दियों में अच्छी तरह से देखभाल करें जिससे कि वह बीमार ना हो सके। इससे पहले, अगर आप हमारे इस वीडियो के, हमारे इस चैनल के नए दर्शक हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे इस चैनल की आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए जानते हैं किन टिप्स के द्वारा आप अपने बच्चे की इन सर्दियों में देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले है, अपने हाथों को बार बार धोएं। सर्दियों का मौसम फ्लू का मौसम होता है। इस मौसम में ऐसे बहुत सारे हवा में कीटाणु होते हैं जिनसे आपके बच्चे को आसानी से सर्दी लग सकती है, वह बीमार पड़ सकता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने हाथों को रेगुलर तौर पर धोएं या फिर आप हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। अपने बच्चे को हाथ लगाने से पहले, उसका कोई भी काम करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके अलावा जो भी व्यक्ति आपके बच्चे को छू रहा है, उसको उठा रहा है, वह उसको उठाने से पहले, उसको छूने से पहले हाथ ज़रूर धोएं ताकि आपके बच्चे को फ्लू या कोल्ड ना हो सके, उसको इन जर्म्स का असर ना हो सके। इसके साथ ही जब भी आप अपने बच्चे के कपड़े बदलें या फिर उसकी नैपी भी आप चेंज करें तो भी आप हाथ पहले ज़रूर धोएं और चेंज करने के बाद भी आप हाथ ज़रूर धोएं ताकि आपको बच्चे को जर्म्स इफेक्ट ना कर सके और वह बीमार ना हो सके। बीमार लोगों से अपने बच्चे को दूर रखें। देखिए, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं होती, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती और वह बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। यह हम ही नहीं, हमारे आसपास वाले लोग समझते तो हैं लेकिन इसका वह ध्यान नहीं रख पाते। वह यह बात भूल जाते हैं कि उनके पास पास एक नवजात शिशु है, एक नन्हा शिशु है जो बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको ही रखना होगा। जितना हो सके आप अपने बच्चे को भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना ले जाएं। ज़्यादा सर्दी अगर है तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कफ होता है, कोल्ड होता है और उनके छींकने या खांसने से आपका नन्हा शिशु भी बीमार हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने घर में भी अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत है, कोई सर्दी या जुकाम की दिक्कत हो गई है, किस तरह की कोई दिक्कत है, तो आप अपने बच्चे को उससे जितना दूर रखेंगे उतना आपका बच्चा सेफ रहेगा। क्योंकि एक बार अगर बच्चे को थोड़ा सा भी जुकाम लग जाएगा तो सर्दियों में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, साथ ही साथ उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी जिससे वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेगा। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चे को बीमार लोगों से दूर रखें। अपने कमरे को, अपने बच्चे के कमरे को, उसकी नर्सरी को हमेशा गर्म रखें। इस बात का ध्यान रखें, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आप अपने बच्चे के कमरे को गर्म रखें। इसके लिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे बंद हों ताकि ठंडी हवा उसके कमरे में ना घुस सके। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें उसके कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि घुटन ना हो सके और वह तंग ना हो, उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो अंदर रूम का टेम्परेचर भी रात के समय बहुत ज़्यादा गिर जाता है और इस समय बच्चे को ठंड लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए उसके रूम का टेम्परेचर का ध्यान रखें। ह्यूमिडिफायर का भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी में आप अपने बच्चे के लिए हीटर रूम में लगा रहे हैं, आप अपने बेबी के रूम में हीटर लगा रहे हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ की वेंटिलेशन ठीक हो। इसके लिए आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपके बच्चे के रूम में ह्यूमिडिटी की कमी हो गई है हीटर चलने के कारण, वह कम हो जाएगी,
क्योंकि जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्किन बहुत ही जल्दी मॉइस्चर लूज करती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसलिए अगर आप लगातार हीटर चलाएंगे और कोई ह्यूमिडिटी फायर आप नहीं लगाएंगे तो उसकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है, उसकी स्किन में मॉइस्चर की कमी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे के कमरे में अगर आप रेगुलर तौर पर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक ह्यूमिडिफायर भी ज़रूर लगाएं, जिससे कि उसकी स्किन पे ह्यूमिडिटी बनी रहे, उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी ना हो। रात के समय सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम यह सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर एक कंबल में अच्छी तरह से सुला देंगे तो वह महफूज रहेगा, वह उसको ठंड नहीं लग पाएगी। लेकिन इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी हैवी ब्लैंकेट में, किसी भारी कंबल में अपने बच्चे को ना सुलाएं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो नन्हे शिशु होते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वह कंबल को हटा पाए, वह हिला पाए, उनमें अभी इतनी मूवमेंट भी नहीं होती। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी भारी कंबल या कोई भी भारी रजाई अपने बच्चे को ना दें। आप ऐसी रजाई या ऐसा कंबल उसके लिए चूज़ करें जो लाइट वेट हो लेकिन गर्म भी हो, लेकिन वह भारी कभी भी ना हो, क्योंकि इससे बच्चे का दम घुटने का भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि वह आपको यह बता नहीं सकते और ना ही वह खुद अपने हाथों से कंबल को पीछे कर सकते हैं। आपको ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चे को भारी चीज़ ना दें। साथ ही साथ रात को उस पर ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं कंबल उसके मुंह पे तो नहीं आ गया और उसको सांस लेने में परेशानी तो नहीं हो रही। इस बात का भी आपको रात को ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बात का भी एक रिस्क सर्दियों में हो जाता है। अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करते समय भी आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी में आपको अपने बच्चे के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिनको हम अवॉइड नहीं कर पाते और हमें अपने बेबी के साथ बाहर जाना ही पड़ता है। इस समय में आप अपने बच्चे को बहुत ही सेफली, बहुत ही सिक्योरली बाहर ले जाएं, उसको अच्छी तरह से ढककर बाहर ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बेबी का डायपर ख़राब ना हो, वह गीला ना हो, क्योंकि अगर वह गीले डायपर में बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको ठंड लगने का खतरा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे भी वह खुली हवा के कांटेक्ट में होगा। इसके साथ ही बाहर ले जाते समय आप अपने बच्चे के सिर को ज़रूर ढकें, क्योंकि सिर से बच्चे को ठंड लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे ने प्रॉपर कपड़े पहने हैं, पूरे कपड़े पहने हैं, ताकि वह बाहर जाते समय ठंड का शिकार ना हो पाए। वैसे तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को ठंड में बाहर ले जाना अवॉइड करेंगे उतना ही उसके लिए सेफ होगा, क्योंकि बाहर जाके किसी ने किसी तरह की इन्फेक्शन या कोई फ्लू या कोल्ड बच्चे को लग जाता है। इसलिए इस चीज़ को कुछ दिन के लिए, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आप अपने बच्चे के लिए अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वह ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। दोस्तों, यह कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हमने आपको आज बताई हैं। इससे पहले भी हमने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई थी जिससे कि आप इन सर्दियों में अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पा सकते हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।